पहले वामाक्षी एक बार आप बताइए, मिड कैप में इस वक्त बजिंग मोमेंटम कहाँ नजर आ रहा है? कौन से स्टॉक्स है जो फोकस में है, मजबूती है, और कौन से स्टॉक्स है जो लगाड़ है? जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। दाल में आप भारत अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 दिन से स्टॉक में हमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट आज भी स्टॉक करीब 80 पॉइंट्स बढ़ा है, करीब 5% चढ़ा है, और ये कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है सितंबर 14, 2022 से लेकर के अब तक का। IRFC लगातार 3 दिन भी ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है, और अक्टूबर 22, 2021 से अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है IRFC के लिए। बैंक ऑफ इंडिया, मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड कर दी है अपनी राय, अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है, और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में है। उन्होंने लक्ष्य दिया है 95 का, और 67 के और लेवल से ये काफ़ी अच्छा अपसाइड नज़र आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 5% की तेज़ी नज़र आ रही है। न्यू इंडा अश्योरेंस कंपनी भी फोकस में है, लगातार 2 दिन से तेज़ी नज़र आ रही है स्टॉक में। अगस्त 26, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है न्यू इंडिया अश्योरेंस के लिए। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो अजंटा फार्मा अपने दूसरे तिमाही के नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ, दूसरे दिन लगातार हमने गिरावट देखी है। HPCL लगातार 2 दिन लाल निशान में नजर आया है। कैंसर नेरोलैक लगातार 4 दिन की गिरावट हमने इस स्टॉक में देखी है, आज भी स्टॉक में करीब 3% की गिरावट है। वरुण बेवरेजेस काफ़ी बस कर रहा था अपने रिजल्ट्स के बाद, मगर 4 दिन की तेजी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा PSU बैंक्स पर भी फोकस करिए, एक अदरवाइज वीक मार्केट में PSU बैंक्स में बहुत अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ ये एक स्टॉक करीब 10% तक चढ़ा है। पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक जैसे सारे नाम में भी हमने करीब 5 से 9% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम सीमेंट पैक पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक वीक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स। जेके लक्ष्मी सीमेंट अपने दूसरे तिमाही के नतीजे के बाद फोकस में आ रहा है, ओवरऑल 6.7 यानी कि करीब 7% की तेज़ी नज़र आ रही है ये स्टॉक में। दाल में आप भारत, ओरियंट सीमेंट, मंगलम सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स ही आज काफ़ी बस करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये ढेर सारे सीमेंट काउंटर्स हैं, एक एक हम देख रहे हैं नतीजों के ठीक बाद एक्शन है जो कि बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इसके अलावा भी मिड कैप में एक्शन वाले स्टॉक्स और कई सारे स्टॉक्स जहां पर परफॉर्मेंस नहीं दिख पा रही है। लेकिन वामाक्षी, फिर खबरें कौन सी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है मिड कैप कैटेगरी में आज? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से। कंपनी ने 7,972 MU वॉल्यूम रिपोर्ट किया है अक्टूबर 2022 में। उनके जो डे हेड मार्केट है यहाँ पे एवरेज क्लियरिंग प्राइस हालांकि काफ़ी घट चुका है, 8.01 में था अक्टूबर 2021 में, और अब वो घटकर हो गया है 3.83%, सो करीब आधा हो चुका है, 52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि IEX लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 1% की गिरावट देख रहे हैं ये स्टॉक में। इसके अलावा एंजल वन ने भी अपने एक ऑपरेशनल अपडेट पेश की है, अक्टूबर नंबर ऑफ ऑर्डर 69.42 मिलियन पर रहा है, यहाँ पर हमने एक 19% का ईयर ऑन ईयर अपटेक देखा, मगर जो उनका अक्टूबर एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक है यहाँ पर 15% का डाउन फॉल देखा है, वो अब हो गया है 1575 का। और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज लाल निशान में कारोबार करता हुआ 1% की गिरावट एंजल वन में। अब फोकस करेंगे दो स्टॉक्स पर, पहला वाला रहेगा कल्पतरु पावर और उनकी ही एक सब्सिडरी है GMC प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल कल्पतरु पावर एज अ कंसोलिडेटेड बेसिस पर करीब 3,600 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं उन्हें, उसमें से GMC प्रोजेक्ट जो इनकी सब्सिडरी है उसको करीब 2,300 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और कल्पतरु पावर स्टैंड अलोन को करीब 1,300 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इन दोनों कंपनियों के लिए, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि GMC प्रोजेक्ट्स में करीब 4% की तेजी है और कल्पतरु पावर भी करीब 1% तक चढ़ा है। और आखिर में फोकस करेंगे जिलेट इंडिया पर, कंपनी ने हाल ही में अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश किए और ओवरऑल देखें तो थोड़े सबड्यूड नंबर्स रहे हैं। रेवेन्यू में हमने करीब 8% की ईयर ऑन ईयर अपटिक देखी है, 573 करोड़ पे थे 620 करोड़ पे आ गए हैं। EBITDA भी करीब 8.3% से चढ़ा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमने करीब 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। मार्जिन में हालांकि फ्लैट रहे हैं, 21.8% पर थे और 21.9% पर अब आए हैं। तो ओवरऑल ये थे जिलेट इंडिया के रिजल्ट्स, और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में है मानसी। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। एंजल वन, कल्प थ्रू पावर, GMC प्रोजेक्ट्स और साथ ही जिलेट इंडिया, ये हैं खबरों वाले शेयर्स आज के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं और विकास सालुनखे से उनकी ट्रेड स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या है वो समझते हैं। स्पेसिफिक मूवमेंट अगर देखें, कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेहद सरप्राइज किया है आज, और उनमें से एक है अमारा राजा बैटरीज का स्टॉक। देखिए, दो पॉजिटिव न्यूज़ है, एक तो कंपनी के नतीजे जो कि काफ़ी अच्छे आए, कंपनी के प्रॉफिट में, रेवेन्यूज़ में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी है, और उसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज को लेकर जो ऐलान किया है कंपनी ने, उसका एक इम्पैक्ट है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% के अप मूव्स देखे जा चुके, ऊपरी स्तरों से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त नजर आई, और उसके बाद वापस से स्टॉक जो है रिएक्ट पॉजिटिवली कर रहा है 566 के लेवल्स। और ये वही स्टॉक है विकास जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, पिछले एक साल के चार्ट्स को अगर लेकर आएंगे करीब 30% की गिरावट दिखेगी। क्विकली इस पर आप अपनी राय दीजिए। देखो मानसी, हमने भी नोटिस किया है कि 2021 फेब के बाद यह स्टॉक नॉन स्टॉप नीचे आते हुए देखने मिला। वीकली चार्ट भी आप देखोगे तो यहाँ पे जुलाई के एंड में यहाँ पे बॉटम हो चुका था, जो ऑलमोस्ट 500 के बिलो ये जा चुका था। वहां से थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे चेंज होते हुए देखने मिला था, और ऊपर की साइड जो इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट बन चुका था वो अराउंड 550-560 के आसपास देखने मिल रहा था, जो हमने लास्ट 2-3 महीने पहले देखा था जो टॉप बना था। आज इसके ऊपर ये क्लोज भी हो रहा है, वीकली क्लोज अगर 9560 के ऊपर अगर बंद होता है तो मुझे लगता है ये क्लोज जो पॉजिटिव माना जाएगा, जिस हिसाब से आज गैप अप हुआ है वो आज सुबह से इस रेंज को 550-560 जो रेंज है उसको वो सपोर्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है इसका जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव हो सकता है ऊपर की तरफ में, और वापस मुझे लगता है ऊपर में 600 के लेवल जो है ऊपर के वो ओपन होते देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजिशन है 50 और 560 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ 600 का टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये सस्टेन रहा तो यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। कुमारा राजा बैटरीज पर मिली है, ये मिड कैप के टॉप पिक्स आपकी तरफ से क्या होंगे आप बताएं। दोनों भी मिड कैप में मुझे लगता है IRCTC यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसका वीकली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है तो 782 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है 750 के स्टॉप लॉस से। दूसरा रहेगा PVR में हमने देखा है कि जो 5200 DMA जो है उसका एक ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है तो उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, क्रॉस ओवर भी देखने मिल रहा है लॉन्ग टर्म एवरेज का, तो यहाँ पे ऊपर 1900 के टारगेट के लिए PVR बाय करके जाना चाहिए और 1770 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड। विकास शुक्रिया, ये आप सारी के सारी ट्रेडिंग पिक्स और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। PVR के स्टॉक में आज एक्शन हम देख रहे हैं, करीब 2% की तेजी नजर आई है, और मल्टीप्लेक्स थीम की अगर बात करें हमारे एक्सपर्ट के भी रेडार पर हैं, PVR पर खरीदारी की कॉल देते हुए विकास। चलिए, के साथ मिड कैप मसालों को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन